एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल, में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं लड़कों के बारे में, यानी कि जो लड़के शर्माते हैं लड़कियों से बात करने में। आई एम नॉट अ टीचर, ओके, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको टीच कर रही हूं या फिर उनको कुछ सिखा रही हूं। बस कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को ना भूत समझते हैं, प्रेत समझते हैं, आत्माएँ होती है ना जो उनको खा जाएंगे या फिर उनको नोच जाएंगे, मतलब कि उनके सर पे चढ़ जाएंगे, कुछ ऐसे। हाँ, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है, पर लड़कियाँ ऐसी नहीं होती यार, ये पहले एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि मैं उनकी बात बताती हूँ, दिली तमन्ना जो है, दिल की बात जो है ना, वो मैं बताती हूँ। जो लोग बॉयज़ स्कूल में पढ़े हैं ना, उनका यही कमेंट होता है, हाँ, उनका यही यही सोच होता है कि अरे मैं तो बॉयज़ स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे क्या लड़कियों के बारे में उतनी जानकारी है कि कैसे पता होना चाहिए। अरे तू तो कोएड स्कूल में पढ़ा है ना, मुझे तो सब कुछ पता है कि लड़कियों से कैसे बात करनी है। अरे मेरे लिए लड़कियों से बात करना, बाप रे बाप, इसका मतलब है कि भूत के पास जाना। जी हाँ, मुझे पता है लड़कियाँ कितनी डरावनी होती है, थप्पड़ मार दी तो, इंसल्ट कर दिया तो, अरे तेरी कितनी फीमेल फ्रेंड है यार, मेरी तो एक भी नहीं है, मुझे भी दोस्ती करनी है एक लड़की से, पर डरती हूँ यार, लड़की ने प्रेस्टिज का एकदम कबाड़ा बना दिया तो, अपनी फ्रेंड्स को बता दिया तो, अगर रिजेक्ट कर दी तो। कितने सारे कन्फ्यूजन के साथ आप जीते हो यार, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, तो इतनी क्या डर है। और बहुत सारी लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं जो लड़कों से बात करने में डरती हैं, अजीब बात है। पर ये एक्चुअली अजीब नहीं है, ये अलग अलग इंसान का अलग अलग नेचर होता है। कुछ बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं ना, कि लड़कियों से बात करना ये तो एक आर्ट है, आर्ट, इसमें मैं तो माहिर हूँ, और चैलेंज करता है, देख उस लड़की को अभी पटा के दिखाऊंगी। ऐसा होता है बहुत सारे लड़के लड़कियाँ भी, हाँ लड़के नहीं लड़कियाँ भी, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो नहीं बाबा यार लड़कियों से मुझे दूर रहना है, नहीं 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 मैं ऐसे ही ठीक हूँ बाबा, मैं सिंगल ठीक हूँ, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड मुझे नहीं चाहिए यार, वो तो भूत है यार, कभी थप्पड़ वप्पड़ मार दी, अगर इंसल्ट कर दिया, अगर तमाचा लगा दिया लड़कों के बीच में, तो फिर मेरा तो हो जाएगा। तो होता है, ऐसा होता है, पर ये जो चीज़ होती है ना, ये अच्छी नहीं होती। क्योंकि ये जो आप कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर देते हो एक लड़की के सामने बात करने में, कभी ना कभी ये कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपके दूसरे फील्ड में भी झलकता है। बहुत बार आप दूसरे फील्ड में भी कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देते हो। एज अ एग्जांपल, आपका जो बॉस है वो एक फीमेल है, अगर वो बॉस आपका मेल होता ना, आपका परफॉर्मेंस एकदम झकास होता, पर ठहरी वो फीमेल ना, तो आप डर रहे हो उसके साथ बात करने में, कॉन्फिडेंस के साथ बात करने में, आप डर रहे हो कि कैसे आप प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन कैसे दोगे, आपने बहुत अच्छा काम किया है पर आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे, तो आपका जॉब गया। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दी, हो सकता है कि आपका टीचर जो है, हो सकता है कि आपका दूसरा कुछ भी आपका कलीग है जो बहुत अच्छा है, आप उससे हेल्प लेते तो हो सकता है कि आपका अच्छा होता, पर वो ठहरी फीमेल ना, तो आप उनके साथ बात ही नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, तो अब मैं फाइनली बताने वाली हूँ ना कि आप कैसे इस डर को तोड़ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आज के डेट में एवरी पर्सन में होना चाहिए, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है, चाहे वो किसी लड़की के साथ बात करने में ही क्यों ना हो, क्योंकि आज का जो कल्चर है, दोनों इक्वली चल रहे हैं, दोनों समाज में बराबर का हिस्सा ले रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि सब हैं, पर ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी तार से तार मिला के चलना है। एक ही ऑफिस में जब आप काम कर रहे हो, एक ही स्कूल में जब हो, एक ही कॉलेज में हो, एक ही फील्ड में हो, तो फिर एक जैसा क्यों नहीं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ना व्यूअर्स, जो मेरे व्यूअर हैं ऐसे टाइप का, तो वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो लड़कियों से बात कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्ट में ना, मैं पहले रीज़न बता देती हूँ। पहले बॉयज़ स्कूल में पढ़ना, अब ये बॉयज़ स्कूल बीच में कहाँ से आ गया। कुछ फैमिली ऐसे होते हैं ना, बच्चों को बचपन में ही या तो बोर्डिंग में भेज देते हैं या फिर बॉयज़ स्कूल में भेज देते हैं। अब वो HS जो है, हायर सेकेंडरी जो है, वो तो बॉयज़ स्कूल से ही पास आउट होते हैं। अब क्या हुआ कि बचपन से ही उनको वो किसी फीमेल के साथ अटैच नहीं है, उनके साथ कॉन्वर्सेशन में नहीं है, उनके मतलब उनसे बहुत दूर हैं, तो उन्होंने ना लड़कियों को दूर से ही देखा है। हो सकता है कि उनका कोई फ्रेंड है जो कोएड स्कूल में पढ़ता है, उसके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड है, पर इसका नहीं है ना, तो ये दूर से ही देखता है, पर
जब वो बड़ा होता है, जब वो समझदार होता है, तो कहीं ना कहीं अंदर से उसमें ये जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं वो ला पाता। ये एक पहला रीज़न हो गया क्योंकि बचपन से ही वो लड़कियों से दूर रहता है। पर जो लड़का कोविड स्कूल में पढ़ा है वो क्लास वन से ही एक लड़कियों के साथ उसका बातचीत, उठना बैठना सब कुछ होता है, तो वो इसमें यूज टू हो जाता है। काफ़ी फीमेल फ्रेंड्स भी बनते हैं तो इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होता, पर इसको होता है, पहली रीज़न। दूसरा है वो मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कुछ ऐसे होते हैं जो कोविड स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी लड़कियों से बात नहीं करते क्योंकि वो अंदर से इतना शाय होता है, इतना शायनेस फील करता है कि वो लड़कियों से बात ही नहीं करता। पहले तो वो सोचता है कि मुझे ज़रूरत क्या है, बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि ज़रूरत क्या है। दूसरी पॉइंट है कि उसको ये लगता है कि यार फीमेल भूत होती है, थप्पड़ मार देगी। फीमेल थप्पड़ क्यों मार देगी भाई, अगर तुम रिस्पेक्टफुली बात करोगे थप्पड़ तो आपको कभी नहीं मिलेंगे। और पॉइंट नंबर 3 इज़ अबाउट रिजेक्शन एंड इंसल्ट। तो इसमें आगे बताने वाली हूँ कि ये फियर और रिजेक्शन का सॉल्व आप कैसे कर सकते हो और कॉन्फिडेंस को कैसे ला सकते हो और लोग आगे बढ़ाते हैं। सोल्यूशन सबसे पहला जो है वो आपके दिमाग में एक चीज़ भरनी है कि लड़कियाँ भूत नहीं हैं, लड़कियाँ प्रेत नहीं हैं, लड़कियाँ आपके सर में नहीं चलने वाली हैं, लड़कियाँ लड़कियाँ हैं। ये पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि लड़कियाँ तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, लड़कियाँ तुम्हें मानने लगेगी, तुम्हें इंसल्ट कर देगी, क्यों ऐसा लगता है? अगर तुम किसी लड़की के साथ रिस्पेक्टफुली बात करते हो, अगर कि तुम किसी लड़की के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, तो उस लड़की की अब सनकी है कि तुम्हें थप्पड़ लगा देगी। और किसी को थप्पड़ लगाना भाई इतना आसान हो सकता है कि वो लड़की तुम्हारे जैसे ही हो, वो भी थोड़ी सी शाय टाइप की ही हो। तो और सारी लड़कियां वैसी नहीं होती भाई, मैक्सिमम लड़कियां जो हैं वो अच्छी हैं, मैक्सिमम जो है वो अच्छी है। और जब कोई लड़का उसे रिस्पेक्टफुली बात करता है ना, तो डेफिनेटली उस लड़की की हिम्मत भी नहीं होगी और वो चाहेगा भी नहीं कि वो आपको इंसल्ट कर दे। क्यों इंसल्ट करेगा, क्या रीज़न है कि वो इंसल्ट करे? किसी लड़के ने अगर उस लड़की को गाली दे दिया, उल्टा सीधा बात करने लगा, अगर छेड़ने लगा तो अलग बात है, आप थोड़ी छेड़ रहे हो, अब तो बात करने जा रहे हो। मान लो कि वो आपके ऑफिस का ही कोई है, मान लो कि वो आपके कॉलेज का कोई है, तो आप उसको काफ़ी दिन से जानते हो ना, तो आप ट्राई करो यार, पहले अपने डर को भगाओ और ट्राई करो। कैसे ट्राई कर सकते हो? कभी किसी चीज़ को पूछ लिया, ये क्लास कहाँ है? नहीं, क्लास छोड़ो, तुम दोनों ही उस कॉलेज में हो। किसी नोट्स के बारे में पूछ लिया, या फिर तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सा, अगर जब तुम जानते हो कि उसमें क्या अच्छे गुण हैं, तो उसकी तारीफ़ कर दी। लड़कियों को तारीफ बहुत पसंद है, ये तो सब लड़के जानते हैं, तो कुछ तारीफ़ कर दी। अगर कैंटीन में बैठी है तो कुछ खाने का ऑफ़र कर दिया, चाय का ऑफ़र कर दिया, एक एग रोल का ऑफ़र कर दिया, या फिर चाइनीज़ कोई आइटम, कुछ भी, कैसे भी तुम बात की शुरुआत कर सकते हो। देखो, तुम्हारे लिए तो कोई ऑन करने नहीं जाएगा, तुम्हें ही करना है। तो अगर किसी लड़की से दोस्ती करना चाहते हो तो उस लड़की के पास तो भाई तुम ही जाना है, कोई तुम्हें तो धक्का नहीं लगा सकता, और धक्का लगा भी देगा तो अपना काम तो तुम्हें खुद ही करना है। या फिर तुम ये भी कर सकते हो, अगर लड़कियों से बात करने में यूज टू होना है तो राह चलते चलते किसी से भी ऐसे ही कोई पता पूछ लो, या फिर ट्रेन में चलते चलते मैडम जी अगला स्टॉपेज क्या है, हर रोज़ ये काम करो, देखना लड़कियों से बात करने में थोड़ा सा जो अनइजीनेस है ना तुम्हारा वो कट जाएगा। करके देखना, ये टेक्निक बहुत यूज़फुल है। रास्ते में चलते चलते किसी ने भी एड्रेस पूछना किसी फीमेल से, और ट्रेन में, बस में अगला स्टॉपेज क्या है, आप कहाँ जाने वाले हो, अगर ठीक कहाँ जाने वाले हो मत पूछना, हो सकता है गलत समझ ले, अगला स्टॉपेज क्या है, ये वो कुछ भी हो, मैडम आपको यही बैठना है, मैडम आप आगे जा सकते हो, मैडम आपको कहाँ जाना है तो आप पीछे आ जाओ, मैं आपके आगे आ जाती हूँ, मुझे आगे उतरना है। कुछ भी हो कॉन्वर्सेशन करो, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा, वो तो अननोन है, वो क्या समझे क्या नहीं समझे तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो तुम ऐसे ना उससे बात, मतलब कि लड़कियों से बात करने की जो प्रैक्टिस है वो करो, शुरुआत ऐसे करो, तो क्या होगा कुछ दिन बाद, एक महीने बाद ना आपके ये कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाएगी कि लड़कियों से बात करने की शुरुआत कैसे करनी है। क्योंकि अब तक तो तुम कम से कम 50 लड़कियों से एड्रेस पूछ चुके होंगे, 50 लड़कियों से आगे का पता पूछ चुके होंगे, तो लड़कियों से बातों की शुरुआत कैसे करनी है? और हो सकता है कि उस 50 लड़की में से एक आध तुम्हारी फीमेल फ्रेंड भी बन जाए, हो सकता है ना। और रही बात इंसल्ट की और रही बात थप्पड़ की, अरे लड़कियां भी पसंद करती है कि लड़के उनके साथ बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें, क्योंकि हमारा जो समाज है
हमारा जो ये पूरा जो वर्ल्ड है वो ये दोनों के ऊपर ही डिपेंड है कि दोनों अगर अपने अपनी जगह से हट के अपने एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, दोस्ती नहीं करेंगे, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा कैसे, हम इक्वली कैसे काम करेंगे, इक्वली चलेंगे कैसे। और लास्ट पॉइंट कि कोई अगर अननोन हुई है, तो मैंने बात कही थी कि नोन कैसे, किसी अननोन पर्सन से आप कैसे बात कर सकते हो, उसकी थोड़ी तारीफ़, उसको कुछ खाने का ऑफ़र करना, या फिर कुछ नोट्स के बारे में पूछना, या फिर किसी चीज़ की तारीफ़ कर देना, कुछ भी हो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो। पर अगर अननोन हुई ना, तो अननोन लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या, वो तो चली जाएगी वहाँ से, तुम दोनों एक ही बस में हो और तुम्हें बात करते करते कोई लड़की पसंद आ गई, दोस्ती करना चाहते हो, अप्रोच किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, व्हाट, चली गई, वो तो दोबारा वापस नहीं आएगी, तुम तो थोड़ी उसका चेहरा देखोगे। तो अगर उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें हर जगह से क्या मतलब एक्सेप्टेंस मिलता है, कहीं भी तुम्हें आज तक रिजेक्शन नहीं मिला, तो एक लड़की ने तुमसे अगर दोस्ती करने में मना कर दी, तो इसमें क्या है। बहुत बार ऐसा फिर आता है ज़िंदगी में, जहाँ हम बहुत बार इंटरव्यू देते हैं, तो 10 इंटरव्यू देते हैं तो 8 में रिजेक्ट हो जाते हैं, 2 में पास होते हैं, तो ये नेचुरल है ना, तो इसके बारे में इतना बॉदर होने की ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात दूसरी के, वो अपने फ्रेंड्स को बता देगी, हो सकता है कि तुमने किसी फीमेल फ्रेंड से दोस्ती करनी चाहिए और उसने अपनी तुम्हें रिजेक्ट करके अपने फीमेल बाकी फ्रेंड्स को बता दिया, अपने बाकी मेल फ्रेंड्स को बता दिया, तो तुमने सोचा कि मेरा इंसल्ट हो गया, ऐसे थोड़ी किसी का इंसल्ट होता है यार। वो नहीं मानी तो उसकी किसी और सहेली से दोस्ती करना चाहो, हो सकता है कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। तो ये ज़िंदगी का एक पार्ट है, ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत इजी है ना, मैं जो वीडियो बना रही हूँ, वीडियो में जो कह रही हूँ, ये बोलना सच में बहुत आसान है, पर जो ऐसा फील करते हैं, जो ऐसे होते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर एक बात कहूँ ना, अगर एक स्टेप लेते हो, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप लेते हो ना, तो ये भी तुम्हारे लिए उतना ही आसान बन जाएगा जितना मेरे लिए वीडियो बनाना है, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मुझे मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी ना, आसान तो ये था नहीं। तो वैसे ही मैंने जैसे एक स्टेप लेके आगे बढ़ी और कैमरे के सामने बैठ के बात कर रही हूँ, ठीक वैसे ही किसी फीमेल फ्रेंड से फ्रेंडशिप करना इतनी बड़ी बात नहीं जितना आप सोच रहे हो, और सिर्फ एक स्टेप ले लो और आपकी गाड़ी तो चल पड़ेगी भाई। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये ट्रिक आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल मत भूलना। और अभी सिचुएशन जो इतनी पैंडमिक हो रखी है और सबका ही मूड ऑफ है, तो मैं स्पेशली कोशिश करती हूँ ऐसे थोड़ी सी वीडियो बनाने की जिससे आपका मूड भी अच्छा हो और आपको कुछ नॉलेज भी मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिले, ताकि ये ज़िंदगी तो ऐसी ही है, आज हम हैं कल नहीं है, तो इतना बॉदर मत हो। मैंने सच बताऊँ, मैंने ना न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद ही कर दिया, क्योंकि न्यूज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें आती है ना जो मुझे बहुत हर्ट करती है, तो मैंने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि जितना देखूँगी ना उतना डिप्रेस्ड होंगी, उतना स्ट्रेस में जाऊँगी। तो आपको खुशी मिले जिस चीज़ का आपका मन अच्छा हो वही करो। और सबको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपने ये ट्रिक का इस्तेमाल किया हो कभी, वो भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।